ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजयोग के मूलभूत तत्वों के इस प्रस्तुतिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। यह प्रस्तुतिकरण आपको मानवता से संबंधित कुछ एक ऐसे प्रश्नों का बुनियादी और रोचक जवाब देगा जिसका इतिहास अति प्राचीन है। कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मानव चेतना क्या है? हमारा सत्य परिचय क्या है तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्मसत्ताओं का ये मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्विंदु के रूप में दर्शाया गया है जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं, एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है तथा जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब तक यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हम सब आत्माएं हैं। प्रत्येक उत्तर अनेकानेक नए प्रश्नों को जन्म देता है। हम जानते हैं कि हम एक शुद्ध, शांत और अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं आती कहां से है तथा पुनः जब यह विश्व नाटक पूरा होगा तो जाएगी कहां? आखिर हमारे अस्तित्व की निरंतरता का रहस्य क्या है?
जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अति सरल है। ये तो मात्र स्मृति की बात है। जब हम अपने मूल वतन में थे तो हम कितनी गहन शांति की अवस्था में थे, ये स्मृति ही योग है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक ऊर्जा, एक ज्योति कण है, तथा इस स्वरूप में गहन शांति है। यदि इस अवस्था के बारे में हम विचार करें तो इस देह में होते हुए भी उस गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रायः अंतरिक्ष की शांति के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु उस निराकारी दुनिया की शांति तो उससे कहीं अधिक और आनंददायी है। हम जब चाहें उस शांति की दुनिया की यात्रा कर स्वयं को अथाह शांति से भरपूर कर सकते हैं। बस सदैव यही स्मृति रहे कि हम आत्माओं का घर सुनहरे लाल रंग का है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। हमें यह ज्ञात हो चुका है कि शरीर द्वारा यहां रहते भी हम अपनी संकल्प शक्ति द्वारा उस शांत तेजोमय और सुनहरे लाल प्रकाश के लोक का सैर कर सकते हैं, जहां पर हम आत्माएं निवास करती हैं। हम एक बात और भी भूल चुके हैं, उस परम दिव्य स्रोत को, जहां से ही हमें सारी शक्तियां और सारे गुण प्राप्त होते हैं, और जिसके सानिध्य में आकर ही आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर हो जाती है। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई, तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई, मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई।
तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं, मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे, फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। परमात्मा से हमारा अविनाशी संबंध है, परंतु उस अविनाशी संबंध की अनुभूति कैसे करें? आइए अब हम आपको पुनर्जन्म के गुह्य रहस्य की ओर ले चलते हैं कि कैसे आत्मा एक देह छोड़ दूसरा देह धारण करती है। हम आत्माएं अविनाशी हैं और हमारा यह भौतिक देह एक तीन आयामी साधन की तरह है जिसके द्वारा ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तथा इस बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं। मनुष्य जीवन अनेकानेक अनुभवों से भरा पड़ा है, फिर भी हमारे सामने बहुत सारे नए और रहस्यात्मक प्रश्न समय प्रति समय उपस्थित होते रहते हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य सुलझ जाते हैं। जैसे क्यों कोई बच्चा जन्म से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है, या क्यों किसी व्यक्ति विशेष को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी इनसे कोई पहले की पहचान है। इस तरह की निशानियां या विचार हमें हमारे अतीत की ओर इंगित करते हैं। विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है न ही विनाश। ठीक उसी तरह आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न विनाश।
वास्तव में आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस उसका स्वरूप बदलता है। जिस तरह आम के बीज से आम का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह मनुष्य बीज से मनुष्य की ही रचना होती है। अर्थात आत्मा मनुष्यात्मा ही बनती है। सच्चे अर्थ में कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्म खाते को चुकता करने या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती रहती है। पुनर्जन्म की अवधारणा वर्तमान क्रियाकलापों को परिवर्तन करने और जो कुछ बीत चुका है उसे सहज स्वीकार करने की शक्ति देता है। मानसिक संकीर्णता को तोड़ हमें स्वतंत्रता और विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। सदैव ध्यान रखें, न कभी कोई मरा है न ही मरेगा। हर एक नया किरदार निभाने के लिए मात्र अपना चोला परिवर्तन करता है। आत्मा अपने भौतिक देह के माध्यम से अनेकानेक कर्म करती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, उपयोगी, आवश्यक, व्यर्थ और साधारण। और हम जानते हैं कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो आइए हम कर्मों की गुह्य गति अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया के आध्यात्मिक रहस्य पर विचार करें। आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे।
इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे रहस्यों को सहज ही समझ जाएंगे। जैसे क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान और स्वस्थ जबकि दूसरा निर्धन और बीमार होता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें हमारे अतीत के कर्म खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सबल प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे वही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। इसका आधार राजयोग है। यह जागृत आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सुंदर, सहज, सूक्ष्म और शक्तिशाली संबंध है। राजयोग के माध्यम से हम पाप कर्म करने से बच जाते हैं। तो आइए अब इस रूहानी यात्रा अर्थात ईश्वरीय याद की यात्रा का आनंद लें। सत्य और पवित्र ज्ञान की अनुभूति ही योग है। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं तथा मुझ आत्मा का पिता भी मुझ जैसा ही है, परंतु वो परम और अनंत है। आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक संबंध ही सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं को शांति, प्रेम और प्रसन्नता के सागर में डूबा हुआ महसूस करती है। योग शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगी, परंतु नहीं। योग का सीधा सा अर्थ याद है। आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, यही योग है। यदि हर मनुष्य अपने अंदर गहराई से झांक कर देखे तो वो अनुभव करेगा कि उसके अंदर अपने वास्तविक घर की तथा ईश्वरीय गहन शांति के चिन्ह विद्यमान है। योग का एक अर्थ होता है उस परम अनुभूति को याद करना, जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी दुनिया में सिर्फ आत्म रूप में थे तो हम कैसा अनुभव करते थे। उस अनुभूति को इस देह में होते भी पुनः अनुभव करना, इन सभी गहरे अनुभवों का आधार ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ, जो हमें इस दुनिया की हदों से पार ले जाता है। सुख और शांति हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राजयोग के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक अति सरल प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है। सभी इच्छुक भाई बहनों को
ये सेवा केंद्र निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम प्रदान करता है। धन्यवाद।